हेलो गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट चैप प्रिपरेशन। गाइस, कृति देव टाइपिंग लेसन वन में मैंने कुछ हैंड सेटअप की बात की थी कि आपको कैसे हैंड सेटअप उंगलियों का मूवमेंट देना है कीबोर्ड पर, तो उसकी मैंने बात की थी। तो आज हम कुछ और उसके बारे में जान लेते हैं लेसन टू में। तो ये लेसन टू में हम आपको मैक्सिमम सारे पॉइंट्स आपको बता देंगे, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी पॉइंट को लेकर कोई डाउट है या कोई आपके माइंड में क्वेश्चन है टाइपिंग को लेकर, कृति देव टाइपिंग स्पेशलाइज कृति देव टाइपिंग को लेकर, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उसका आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा कीबोर्ड लेआउट कृति देव का किस तरह का होता है, तो देखिए यहाँ पर कीबोर्ड लेआउट आपको दिख रहा होगा कृति देव का, बिल्कुल सेम टू सेम कीबोर्ड लेआउट होता है। जो इसमें अक्षर आपको दिख रहे हैं सेम टू सेम ऐसे ही अक्षर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए आपको तीन रोज दिख रही हैं, जो है अपर रो जिसमें क्यू वी ई आर टी यू वाई, और जो मिडिल रो है इसमें ए एस डी एफ वाली जो कीज़ हैं, और जो लोअर रो है इसमें जेड एक्स सी वी बी इस तरह की कीज़ हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए आपको हिंदी में भी दिया गया है कि अगर क्यू को टाइप करेंगे तो आपका फा बनेगा और छठा ओ की मात्रा लगेगी, अगर आप डब्लू को टाइप करेंगे तो आपका जो अंक की बिंदी नहीं लेकिन ऊपर जो वो, जैसे कि आप लिखते हैं वाटर या कॉलम इस तरह से लिखते हैं, तो ऊपर जो एक वो लगता है चंद्र वो लगेगा, और बड़ा ओ की भी मात्रा लगेगी। तो कब कहाँ क्या लगेगा, तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता देते हैं कि अगर आप टाइप करते हैं एम, अगर आप जैसे सपोज आप अगर माँ बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं, माँ, तो अगर आप माँ बनाना चाहते हैं तो आपको टाइप करना होगा ई। ई अगर आप टाइप करेंगे, अगर ई टाइप करेंगे तो आपका माँ बन जाएगा, लेकिन अगर आपको आधा माँ बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ माँ टाइप करना होगा। अगर आधा बनाना है तो आपको शिफ्ट के साथ माँ टाइप करना होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें देखिए जो ऊपर वाले छपे अक्षर हैं, जैसे कि मा ता ज ल न प व च आधा खा, तो इस तरह के जो अक्षर हैं तो इनको बनाने के लिए आपको सिंपल की टाइप करनी होगी। जैसे माँ बनाने के लिए ई, ता बनाने के लिए आर, ज बनाने के लिए टी और वाई, एल बनाने के लिए यू, बनाने के लिए एन, और अगर आप इनके आधे अक्षरों को टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ दबाना होगा। जैसे कि अगर आपको आधा माँ बनाना है तो शिफ्ट के साथ माँ ई दबाना होगा, अगर आपको आधा ता दबाना बनाना है तो शिफ्ट के साथ आर दबाना होगा, अगर आपको आधा जा बनाना है तो शिफ्ट के साथ टी दबाना होगा, तो इस तरह से। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो रही है दोस्तों कि अगर किसी चीज़ के पूरे अक्षर बनाने हैं तो उसको सिंपली वैसे ही प्रेस करना है, और अगर उसका आधा अक्षर बनाना है तो आपको उसको शिफ्ट के साथ दबाना होगा। या आप ऐसे कह सकते हैं जो ऊपर छपे हुए अक्षर हैं जितने इसमें, उनको बनाने के लिए आपको सिंपल की प्रेस करनी हो, जो नीचे छपे हुए अक्षर हैं जैसे आधा माँ आधा ता ज ल न आधा सारी, इनको बनाने के लिए आपको शिफ्ट के साथ वो की प्रेस करनी होगी। अब देखिए यहाँ पर सबके अक्षर दिए हुए हैं, जैसे द्या भी दिया है, ऋषि वाला री भी दिया है। देखिए यहाँ पर जीरो से ये डैश से ऋषि वाला री बन जाएगा, जीरो से ये क्या बताते हैं, ये जीरो से ये बन जाएगा, और नौ से ये नाइन ही बनेगा, आठ बनेगा, ये डैश लग जाएगा, इस तरह से इसमें देखिए दिए हुए हैं। रू से छोटा रू बनेगा, और इस तरह से स्लैश बनेगा, और ये वन से ये बन जाएगा, तो इस तरह से इसमें देखिए दिए गए हैं आपको अक्षर। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि नीचे वाले, तो देखिए यहाँ पर त्रा दिया गया है आपको, लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर स्रा बन जाता है और यहाँ पर त्रा बन जाता है, इक्वल टू साइन, इक्वल टू बटन दबाएंगे तो आपको त्रा बन जाएगा, और ये क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाएंगे तो आपको दया बन जाएगा, डैश वाला दबाएंगे तो ऋषि का री बन जाएगा, और युद्ध का धा बनाने के लिए आपको जीरो दबाना प्रेस करना पड़ेगा। लेकिन ये सारे के सारे नीचे दिए गए हैं, मैंने बताया था कि नीचे की अगर अच्छे अक्षरों को आपको टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ इन्हें दबाना है। तो अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं, अगर आपको जैसे कि देखिए ऊपर वाला, अगर जैसे आपको छोटे की मात्रा लगानी है तो आपको सिंपली क्यू प्रेस करना है, और अगर आपको फा बनाना है तो शिफ्ट के साथ फा प्रेस करना है। तो देखिए शिफ्ट, इधर का शिफ्ट नहीं दबाना है आपको, शिफ्ट क्या, इधर के शिफ्ट को नहीं दबाना। अगर आप इधर का अक्षर टाइप करना चाहते हैं तो इधर का शिफ्ट दबाइए और इधर का अक्षर टाइप करिए, इससे आसानी रहती है कि इस साइड का शिफ्ट, इस साइड का एफ़ दबा दीजिए। अगर आप इसी साइड का शिफ्ट, इसी साइड का एफ़ दबाएंगे तो आपको दिक्कत होगी टाइप करने में, तो इसलिए इसका रूल भी यही है कि आपको अगर इस साइड के अक्षर बनाने, इस साइड कौन कौन से अक्षर बनना चाहिए, मतलब कि मेरे कहने का मतलब कि अगर लेफ्ट हैंड उंगलियों का मूवमेंट देना है किसी अक्षर पर, तो लेफ्ट हैंड की उंगलियों से क्यूब टाइप किया जाएगा, डब्ल्यू टाइप किया जाएगा, जैसे कि मैं पहले लेसन में बता चुका हूँ, ई टाइप किया जाएगा, आर टाइप किया जाएगा, टी टाइप किया जाएगा, और वाई टाइप किया जाएगा। इतने अक्षर को, इतने जो अक्षर हैं इनको जो है लेफ्ट हैंड की से टाइप किया जाएगा, और इतने अक्षरों को जो है राइट हैंड की से टाइप किया जाएगा, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड की से अगर आपको शिफ्ट वाले अक्षर टाइप करने हैं, जैसे आपको लेफ्ट हैंड की से अगर आधा माँ टाइप करना है तो आपको शिफ्ट के साथ ई दबाना होगा,
तो शिफ्ट के साथ ही दबाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ई तो आपको यहाँ से दबाना है लेफ्ट हैंड साइड की उंगली से, फिंगर से, लेकिन आपको शिफ्ट को दबाना है राइट हैंड साइड की उंगलियों से, शिफ्ट को राइट हैंड साइड की। जब शिफ्ट को राइट हैंड साइड से दबाएंगे और ई को टाइप करेंगे तो आधा माप बन जाएगा। अगर चाहें तो आप शिफ्ट को इसी साइड के शिफ्ट को दबा के आधा माप बना सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए टफ पड़ेगा, आपकी स्पीड उतनी जल्दी नहीं आएगी। तो रूल यही है कि जब इस साइड का अक्षर टाइप करना है अगर शिफ्ट वाला, तो शिफ्ट के साथ वाले अक्षर को अगर हम इस साइड के अक्षर को मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड के अक्षर को ऐसे अक्षर को टाइप करना है जो शिफ्ट के साथ टाइप होगा, तो आपको राइट हैंड साइड के शिफ्ट को दबाना है और फिर उस अक्षर को दबाना है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें लेकर चलना है। तो देखिए सारे आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, आपको सारी कीज़ दी हुई हैं, उस पर कौन सा अक्षर बनेगा किसकी पे सब कुछ इसमें दिया है। देखिए लोअर ओ की में एक्स से गा बनेगा, और अगर शिफ्ट के साथ एस दबाएंगे तो आधा गा बनेगा, सी से बा बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ सी दबाएंगे तो आधा बा बनेगा, वी के साथ आ बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो टा बनेगा, बी के साथ ई बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे ठा बनेगा, एन के साथ दा बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो छा बनेगा, एम के साथ ऊ बनेगा, अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो आपका ये छा बनेगा, और अगर कॉमा को दबाएंगे तो शिफ्ट के साथ ये ढा बनेगा। इस तरह से इसमें सारे अक्षर दिए हैं, आप अपने कीबोर्ड से मैच कर लीजिए और इनको याद कर लीजिए कि किस कहाँ पे कौन सा अक्षर है और शिफ्ट के साथ दबाने पे कौन सा अक्षर बनेगा। तो देख लीजिए मैंने आपको बता दिया कि जितने भी अक्षर ये ऊपर दिए हुए हैं, जैसे कि ये सारे के सारे अक्षर जो दिए हुए हैं इनको आपको सिंपली प्रेस करनी है, और ये जो नीचे वाले अक्षर हैं इनको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है तब ये बनेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि ऊपर वाले छपे जो अक्षर हैं वो सिंपली प्रेस करने पर बनेंगे, और अगर नीचे वाले अक्षरों को दबाना है बनाना है आपको तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों इसमें कुछ ऐसे अक्षर हैं जो इसमें मौजूद नहीं है, जैसे कि अधा फा आपको बनाना है वो इसमें मौजूद नहीं है, अगर आपको चंद्र बिंदी लगानी है वो इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है, अगर अगर आपको प्रा बनाना है वो इसमें मौजूद नहीं। इस तरह के अक्षरों को बनाने के लिए हमें कौन से स्पेशल कोड यूज किए गए हैं, उन स्पेशल कोड को यूज करके हम इस तरह के अक्षरों को बना सकते हैं, तो जान लेते हैं वो स्पेशल कोड क्या है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों उन स्पेशल कोड के बारे में। तो ये देखिए मैंने कोड की लिस्ट भी दे दी है, अगर आप चाहें तो टाइपिंग इंडिया जो है इंडिया टाइपिंग पर जाकर और ये कोड सारे देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर दे दिया गया है कोड, तो कोड के बारे में देखिए जान लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले पहला कोड दिया गया है, देखिए अक्षर ये देखिए चंद्रबिंदु क्या लिखा है, चंद्रबिंदु को अगर आपको बनाना है तो आपको अल्ट के साथ जो है 0161 बनाना होगा। अगर आपको जैसे फक्र वाला अक्षर बनाना है तो आपको जो है अल्ट के साथ 0163 दबाना होगा। अगर आपको त्र बनाना है, हालांकि त्र वाली की मौजूद है वहाँ पर तो त्र बनाने की जरूरत नहीं, वहीं से आप बना सकते हैं, लेकिन अगर हम बात की जाए टा और टा के नीचे राष्ट्रीय वाला ट्र बनाना है तो ट्र बनाने के लिए पहले आपको टा टाइप करना होगा, पहले आपको टा टाइप करना होगा। जैसे मान लीजिए आप ये वाला ट्रा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, सबसे पहले तो आपको टा टाइप करना होगा सिंपल की से जो हम बनाते हैं। उसके बाद अब इस ट्र की मात्रा लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, अल्ट के साथ 0170 प्रेस करेंगी तो आपको ट्रा बन जाएगा। आप 0170 कैसे बनाए, अल्ट आपको प्रेस करना है, फिर 0170 जो न्यूमेरिक की पैड होता है हमारा उधर 1 2 3 4 की मार्किंग जिसमें होती है उधर साइड में 0170 प्रेस करेंगे, इधर अल्ट प्रेस करके तो आपको ट्रक के नीचे वाला ट्र लग जाएगा। इसी तरह से आधा त्र बनाना है तो आधा त्र बनाने के लिए 0171 है। इसी तरह से आधा अगर फा बनाना है तो पूरा फा बनाने के लिए तो मैंने बताया कि क्यू में मौजूद है, अगर क्यू को सिंपली दबाएंगे तो छोटा ऊ बनेगा, और क्यू को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो पूरा तो फा बन जाएगा, और अगर आधा फा बनाना है तो उसके लिए कीबोर्ड में कोई की मौजूद नहीं है तो उसके लिए आपको स्पेशल कोड यूज करना है। वो स्पेशल कोड क्या है, अल्ट प्लस 0182, ये कोड हैं इसके सारे। अगर आपको छोटा ब्रैकेट बनाना है, छोटा ब्रैकेट क्लोज करने वाला तो 188, अगर एक्सपेंड करने वाला 189, इस तरह से छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा ऊ आपको अगर बनाना है तो अल्ट के साथ 197 प्रेस करना होगा, अल्ट के साथ 0197 प्रेस करना होगा। उसके बाद इसी तरह से इसमें सारे के सारे आपको कोड दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके आप इन कोड्स को जान सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आप इनको जो है फॉलो कर सकें। चलिए कुछ और 2-4 कोड बचे हुए उनको भी जान लेते हैं। तो देखिए और कुछ कोड हैं, ये 3-4 बचे हैं, देखिए देख लीजिए कि अगर इस तरह के अक्षर आपको टाइप करने हैं ढ ढ और ये आधा झ बनाना है तो इस तरह के अगर अक्षर आपको टाइप करने हैं तो आपको ये सारे कोड यूज करने पड़ेंगे, जैसे अल्ट 0207 212 214 222। तो दोस्तों ये वीडियो पॉज करके आप सारे देख लीजिए, सबसे पहले तो आप की लेआउट देख लीजिए कि किस अक्षर पर कौन सी की, इंग्लिश के अक्षर पर हिंदी के कौन कौन से अक्षर हैं उनको देख लीजिए, फिर उनको इस तरह से जिससे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया है कि टाइप करना उस तरह से स्टार्ट कीजिए जो पहले लेसन में जो मैंने बताया है, उसके बाद जो है सेकंड लेसन में भी इसी तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा टाइपिंग लेसन 2, और इसी तरह से मैंने इस लेसन को लगभग कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको उसमें कोई डाउट लगता है, अगर आप प्रतिदिन
टाइपिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कैसे क्या टाइप करना आप जानना चाहते हैं, आपको कौन कोई अच्छा नहीं टाइप कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की जरूर कोशिश करूँगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इसी तरह के और वीडियोज आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।